वेलकम टू एस के बाइक ब्लॉग्स। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं एस के बाइक ब्लॉग। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बजाज न्यू बाइक जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उस जो आई मीन सिटी 100 जिसको आप बोले तो सिटी 100 या सिटी 10 भी बोल लो, तो इसके बारे में बात करें तो इसकी चर्चा बहुत है, तो आज हम इसके ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है इसमें, तो जो इसकी जो सेलिंग है दिन दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप भी इस बाइक के बारे में ढूंढ रहे हो तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है। गाइज़ आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में समझाऊँगा ये बाइक इतनी मच बेटर क्यों है, तो इसके फीचर के साथ ही साथ इसमें क्या आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बजाज जिन्होंने मुझे ये बजाज सिटी 100 का यहाँ पर रिव्यू करने दिया। शोरूम की सारी डिटेल है वीडियो के नीचे मैंने देख रखी है, तो आप जरूर से इसको चेकअप करिए एंड अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, तो उसके बाद अपनी गाड़ी बुक करिए, तो उसके बाद अपने डिलीवरी कर लीजिए। यहाँ का स्टाफ है अच्छे से कोऑपरेट करेगा, आपको बेचने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हो कि बजाज हमारे पास सिटी 100 खड़ा है, जिसको हम गाइस आप जानते हैं सिटी 100 भी बोल रहे हैं, सिटी 110 भी। तो जो कंपनी इसको क्लेम करती है इसकी जो पावर है सीसी बोलते हैं, तो उसको आपको 115 देखने को मिल जाती है, बट जो अभी कंपनी यहाँ पर शो किया है 110 शो किया है एक्स, बट आपको पावर 115 ही देखने को मिलती है सीसी। बट एंड गाइस जो ओवरलॉक बाइक के सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करें तो भाई डिज़ाइन बाइक का बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। तो स्पेशली गाइस मैं अगर पर्सनली अपना रिव्यू बताऊं इस बाइक के बारे में तो उसका डिज़ाइन मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा। तो एंड गाइस अगर आप भी सिटी वगैरह में ड्राइव करते हो एंड सिटी वगैरह में अपने काम लगे ना, तो ये बाइक गाइस आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। एंड गाइस अब बात करते हैं बाइक के डिज़ाइन के बारे में फर्स्ट। एंड गाइस फर्स्ट आपको फ्रंट से हेडलाइट दिखाऊँ, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर LED देखने को मिल जाती है, ओके। नीचे आपको जो हेडलाइट है यहाँ पर गार्ड देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये फर्स्ट मैं देख रहा हूँ भाई जिसमें आपको बजाज में हेडलाइट गार्ड देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। और लुक आप बैक की बात करो तो बैक में गाइज आपको बिल्कुल डिफरेंट सा ही लुक देखने को मिल जाता है, बट जो यहाँ पर आपको लाइट दी गई है यार थोड़ी सी ऐसे कह सकते हैं आपको डायमंड शेप में मिली है, इसमें ये देखने में बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगती है। तो आई थिंक सो ये भी रीज़न हो सकता है कि इसकी सेलिंग दिन दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे पहले आप बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। इंजन आपको मिलता है 115 का आपको इंजन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको 110X देखने को मिल जाता है, बट आपको 115 की यह पावर देगा। एंड इसका जो मैक्स पावर है आपको मिलता है 8.6 PS, आपको 7000 RPM में देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 9.81 Nm 5000 RPM में देखने को मिल जाता है, जो कि वाइज सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। इसके इंजन के बारे में बात करें आपको इंजन में 4 स्ट्रोक एंड 1 सिलेंडर देखने को मिल जाता है, 4 स्ट्रोक और 1 सिलेंडर। वो ECU भी देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस आपको पता ही ECU आज के वक्त में आपको अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती है, वो भी BS6। तो BS6 ये इंजन है। अब बात करते हैं इसका इंजन कैसे स्टार्ट होता है। तो इंजन आपको यहाँ पर सेल्फ भी देखने को मिल जाता है और नीचे के साइड आपको किक भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको इसमें फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन बारे में। आपको यहाँ पर 4 गियरबॉक्स स्पीड देखने को मिल जाता है। BS6 इंजन है, बट आपको यहाँ पर फ्यूज नोज देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड अभी रिजर्व में है, नीचे यहाँ पर आपको टैंक मिल जाता है और इस साइड आपको ऑफ मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इस बाइक के फीचर एंड सेफ्टी। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑडोमीटर वो आपको देखने को मिल जाता है, आपका जो किलोमीटर की वो है रीडिंग। तो यहाँ पर गाइस आपका जो है मीटर की रीडिंग है कितने किलोमीटर आप भगा रहे हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फ्यूल मीटर। तो इसकी नीचे आपको फ्यूल मीटर भी देखने को मिलता है, न्यूट्रल का देखने को मिलता है, ये भी आपको LED देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ECU की और इंजन की लाइट देखने को मिल जाती है, कहने का मतलब ECU होती है ये, तो यहाँ पर वो लाइट का भी साइन देखने को मिल जाता है। और ये भी दिया गया है लाइट ऑन ऑफ करने का बटन, तो ये अच्छी बात है। सबसे अच्छा लगे BS6 में आपको ये देखने को मिल रहा है।
बात करते हैं सेफ्टी की, तो यहाँ पर आपको टैंक में ये गार्ड भी देखने को मिल जाता है, लेग गार्ड जिसको आप बोलते हो। तो ये बैठने में कंफर्टेबल भी है बोलते हो, ये आपको दोनों साइड देखने को मिल जाते हैं। तो एंड साथ में आपको यहाँ पर फूट रेस्ट भी देखने को मिल जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको दोनों तरफ ये फूट रेस्ट देखने को मिल जाती है। एंड जो इसकी सीट है तो कुशनिंग है, इसकी कुशनिंग डिसेंट है, इसकी जो हम कुशनिंग कह सकते हैं ये डिसेंट है। आपको ना ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी ना ज़्यादा हार्ड मिलेगी। अगर आप सिटी पे राइड करते हो तब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं देखने मिलेगी कुशनिंग में, तो आराम से आप कर पाओगे। अगर इसकी सीट की लेंथ की बात करें तो उसका आपको अच्छी लेंथ देखने को मिल जाती है, अराउंड आप 3 बंदे भी बैठा के इसको चला सकते हो, बट ये लीगल नहीं है 2 बंदे बैठा के करना, बट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसकी सीट है इतनी लेंथ ही है। करते हैं फटाफट से इसके सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पर आपको हाइड्रोबेटिक टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, 125 mm के देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन वो कवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस नीट एंड क्लीन लगता है देखने में। तो और फ्रंट साइड आपको जो 17 inch का अलॉय देखने को मिल जाता है, तो उसके साथ ही आपको यहाँ पर ड्रम या ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। ये यहाँ पर इसको आपको दोनों साइड है वो कॉम्पैक्ट ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, दोनों जो ब्रेक हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। एंड यहाँ पर आपको 17 inch का अलॉय देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो टायर देखने को मिलते हैं, आपको जो बैक सस्पेंशन मिलते हैं, दोनों तरफ आपको स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि गाइस कंफर्टेबल है सिटी के लिए। और उसके साथ ही आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है, दोनों बैक और फ्रंट सस्पेंशन अच्छे हैं। अगर आप गाँव घूम से भी निकालते हो, मोटरसाइकिल खड्डों से भी निकालते हो, तो आराम से निकल जाएगा, आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत और बैक पेन देखने को नहीं मिलेगा इन सस्पेंशन से। अब बात करते हैं इसकी लाइट्स के बारे में। फ्रंट में आपको जो देखने मिलती है वो आपको फ्रंट में जो हेडलाइट देखने मिलती है, आपको हैलोजन देखने को मिलती है बल्ब, और जो आपको यहाँ पर साइड इंडिकेटर मिलते हैं वो भी आपको हैलोजन बल्ब देखने को हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाते हैं। अब बैक साइड में बात करते हैं, बैक साइड में आपको LED नहीं, यहाँ पर भी आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। सेम ही आपको यहाँ पर भी जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, अगर आप कहीं जा रहे हो, हाइकिंग वगैरह पे जा रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, यहाँ पर आप अपना जो कैजे वगैरह वो बांध सकते हो, यहाँ पर आपको दे रखा है ये फीचर। तो मोस्टली आपको बहुत ही कम बाइक में देखने को मिलता है, इट मीन गाइस इसके साथ जो आप हाइकिंग वगैरह भी कर सकते हो और ट्रैवल भी कर सकते हो अगर आप कहीं भी जाना पसंद करते हो बाहर घूमना। सुना होगा इसका माइलेज कितना होगा, तो आपको मैं बता दूँ इसका माइलेज आपको 70 km/L देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट आप जब अदर ब्रांड्स देखते हो तो अदर ब्रांड्स में आपको कम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको इस प्राइस सेगमेंट में 70 km/L देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस 110 cc है, तो इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता पेट्रोल। उसमें जो आपको टैंक मिलता है, आपको 10.5 L का टैंक मिलता है, इट मीन 10.5 L का टैंक देखने को मिल जाता है। टैंक में जो टैंक कैपेसिटी है वो अच्छी खासी हमको यहाँ पर दी गई है। तो इसमें आपको जो कलर देखने को मिलता है वो टैंक में आपको ब्लैक और ग्लोसरी में देखने को मिलता है, शाइनिंग कलर। तो जो आपको यहाँ पर स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, स्विचेस भी अच्छे क्वालिटी के हैं, बट अच्छी नहीं कह सकते, स्विचेस दे रखे हैं बढ़िया। ओके, तो अगर हम ओवरलुक बाइक के ग्राफिक के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको 4 कलर देखने को मिल जाते हैं। अभी जो कलर मेरे सामने खड़ा है वो ब्लू कलर है, इसमें आपको रेड कलर देखने को मिल जाएगा। मुझे जो ज़्यादा पसंद आया कलर वो मुझे ब्लू कलर पसंद आया। मैं आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, एंड अब इसका सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट कैसा है, इसकी साउंड कैसी है। आपको आज का जो रिव्यू है इस बाइक के ऊपर वो अच्छा लगा हो ना, तो रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। गाइस जो बाइक आपको मैंने बताई है सिटी के लिए बेस्ट है, एंड अदर भी आप अगर एक सिटी दूसरी सिटी ट्रैवल करना चाहते हो तो उसमें भी कंफर्टेबल है, उसमें बाइक भी पीछे नहीं रहती। तो मेरे पास जो सामने कलर खड़ा है ब्लू कलर खड़ा है, एंड उसके जो अदर कलर्स हैं वो भी हैं अवेलेबल, आप नेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। फोर कलर्स में बाइक आती है अपनी बजाज CT 100। आई होप कि आपको आज का रिव्यू एंड वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबाना, फटाफट से हमारे 1K जो फैमिली वो भी कंप्लीट कर दो, गाइस आप सब के प्यार है। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो पे, तब के लिए गुड बाय, पीस।